एक सस्पेंस थ्रिलर की तरह आगे बढ़ती महाराष्ट्र सरकार की कहानी सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर आकर अटक गई है। तमाम निगाहें इस बात पर लगी हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत साबित करने का फ्लोर टेस्ट कब, कैसे और किन नियमों के तहत होगा, और जब होगा तो किसकी निगहबानी में होगा। कथा जोर गरम है कि महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के वक्त प्रोटेम स्पीकर कौन होगा। यह इस वक्त लाख टके का सवाल है, क्योंकि महाराष्ट्र की नई सरकार का भविष्य तय होते वक्त विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे शख्स के हाथ में नतीजों का रुख पलटने की ताकत होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे, तो सबसे पहले ये कि प्रोटेम स्पीकर होता क्या है। प्रोटेम लेटिन भाषा का शब्द है जिसका अंग्रेजी में मतलब है फॉर द टाइम बीइंग, यानी आसान हिंदी में कहें तो फिलहाल। फिलहाल इसलिए कि प्रोटेम स्पीकर परमानेंट यानी स्थायी स्पीकर की नियुक्ति तक ही विधानसभा की कार्यवाही का संचालन करता है। यानी महाराष्ट्र विधानसभा में विधायकों की शपथ और बहुमत का फ्लोर टेस्ट प्रोटेम स्पीकर की निगरानी में होना है। अब जहां सरकार बनाने के लिए दोस्तों और दुश्मनों का भेद मिट चुका हो, जहां अपनों से गले मिलते वक्त पीठ में छुरा घुप जाने का डर सता रहा हो, और जहां वफादारी नोटों की खनक और सत्ता की धमक से सहम रही हो, वहां एक एक विधायक का वोट सरकार का बनना और बिगड़ना तय कर सकता है। और ये जरा इसे तफसील से समझते हैं। एनसीपी के बागी अजीत पवार ने जब पार्टी अध्यक्ष शरद पवार की नाफरमानी करते हुए बीजेपी को समर्थन की घोषणा की, तो वो विधायक दल के लीडर थे। यानी विधानसभा में एनसीपी के जो 54 विधायक चुनकर गए हैं, अजीत पवार उनके नेता थे। 23 नवंबर को शरद पवार ने अजीत पवार की छुट्टी करते हुए जयंत पाटिल को विधायक दल का नेता बना दिया। इससे ये सवाल खड़ा हो गया कि फ्लोर टेस्ट के वक्त एनसीपी के 54 विधायक अजीत पवार का आदेश मानेंगे या जयंत पाटिल का। तकनीकी तौर पर विधायक दल के नेता को व्हिप जारी करने का अधिकार होता है, और व्हिप का उल्लंघन करने वाले विधायक अपनी विधायकी गंवा सकते हैं। मतलब यह कि अगर पवार की चली तो एनसीपी विधायकों के वोट बीजेपी के पक्ष में जा सकते हैं, और पाटिल की चली तो शिवसेना और एनसीपी के पक्ष में। यानी फ्लोर टेस्ट का भविष्य बहुत कुछ इस बात पर टिका है कि एनसीपी का विधायक दल का नेता किसे माना जाता है, और माने जाने का ये सर्टिफिकेट मिलेगा प्रोटेम स्पीकर से। इसके अलावा भी कई ऐसे संवेदनशील फैसले हैं जो प्रोटेम स्पीकर के विवेक पर निर्भर करते हैं और जो नतीजों को बदलने की कुव्वत रखते हैं। मसलन फ्लोर टेस्ट का फैसला ध्वनि मत से होगा या डिवीजन से। ध्वनि मत में स्पीकर किसी भी मसले का फैसला विधायकों से मुंह जुबानी पूछकर करते हैं, जबकि डिवीजन में बाकायदा वोटिंग होती है जिसकी गिनती के आधार पर फैसला होता है। जब एक एक वोट जीना मरना तय कर रहा हो तो ध्वनि मत जरा खतरनाक हो सकता है। इसीलिए शायद सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के वकीलों ने अपील की है कि फ्लोर टेस्ट ध्वनि मत से ना होकर डिवीजन से हो, और साथ ही पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो। शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस ये भी चाहती हैं कि कोर्ट फ्लोर टेस्ट में कोई भी देरी के बगैर जल्द से जल्द करवाने का आदेश दे, ताकि हॉर्स ट्रेडिंग यानी विधायकों की खरीद फरोख्त को रोका जा सके। तो अब आप समझ रहे होंगे कि महाराष्ट्र के मौजूदा हालात में प्रोटेम स्पीकर कितना अहम हो जाता है। अब अगला सवाल ये कि प्रोटेम स्पीकर किसे और कैसे चुना जाता है। संविधान के आर्टिकल 181 के तहत प्रोटेम स्पीकर के चुनाव का हक राज्यपाल के पास होता है, और आमतौर पर विधानसभा के सीनियर मोस्ट यानी सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के तौर पर चुना जाता है। लेकिन यह नियम नहीं सिर्फ एक परंपरा है, और ऐसी दर्जनों मिसालें हैं जब इस परंपरा को टूटते हुए देखा गया है। हालिया इतिहास की अगर बात करें तो साल 2018 में कर्नाटक के गवर्नर वजूभाई वाला ने कांग्रेस के आरवी देशपांडे की वरिष्ठता को दरकिनार करते हुए बीजेपी के जी बोपैया को प्रोटेम स्पीकर बनाया था। इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस की अपील को सुप्रीम कोर्ट तक ने मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन जब आधी रात के वक्त राष्ट्रपति शासन हटाने और सुबह सवेरे सीएम और डिप्टी सीएम की शपथ करवाने के फैसले को लेकर राज्यपाल पहले ही आरोपों के घेरे में हो, तो उनके प्रोटेम स्पीकर चुनने के फैसले पर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस भला क्यों यकीन करने लगी। तो सांसें थाम कर रहिए, क्योंकि महाराष्ट्र के सस्पेंस थ्रिलर का क्लाइमैक्स अभी बाकी है।